आज इसका स्टेटर है। स्टेटर के बारे में देखिए, हमने पीवीसी पेपर इंस्टॉल करके रखा है और इसमें अभी बाइंडिंग करने वाले हैं। तो देखिए, इसने 24 स्लॉट का हमारा स्टेटर है। उससे पहले हम थोड़ा रोटर को समझ लेते हैं। ये रोटर है, देख रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए, इसमें इस तरह से फिट रहता है। फिट होने के बाद हमारा स्टेटर तो एक जगह स्थिर रहता है और हमारा रोटर रोटेट करता है, जिसमें बाइंडिंग की जाती है। ये जो हमारे हाथ में है, हमारा स्टेटर है। तो स्टेटर की आज बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा एक इंच का स्टेटर है और इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 एमएम का है। ये देखिए, 1.5 एक इंच देख रहे हैं इसकी मोटाई जो है 1 इंच ही है। और इधर से हम देखेंगे जिसके कटे कटे खाने जो हैं, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। 24 स्लॉट इसमें है, जो कटे कटे खाने जिसमें पेपर डाला गया है, ये 24 हैं। गिन करके इसको आप देख लीजिए, 24 है। और इसकी ये देखिए मोटाई है वही। और इधर से ये देखिए, हमारा आईडी है और ओडी है। आईडी का मतलब इनर डाया और ओडी का मतलब आउटर डाया। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम इनर डाया आईडी कहते हैं। इसकी आईडी हो गई और ओडी इसकी बाहरी छोर से लेकर के यहाँ से, ये बाहरी छोर है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ओडी हो गई, आउटर डाया। देखिए, ये रही हमारे स्टेटर की बेसिक जानकारी। इसमें हमने पेपर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बाइंडिंग अभी करने वाले हैं। और इसकी पूरी यदि लंबाई की बात करें, गोलाई में देखिए, साढ़े 13 है पूरी गोलाई इसकी, 13.5 इंच में है। तो इस प्रकार से रही हमारे स्टेटर की कुछ जानकारी। और स्टेटर देखिए, लोहे की पतली पतली पट्टियों को इकट्ठा एक कील के सहारे उसको बनाया जाता है, तभी इसमें मैग्नेट बन पाता है, अन्यथा मैग्नेट नहीं बन पाएगा।